हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक एग्जाम गाइड। जैसा कि आप सभी को इंतजार था IBPS PO की नोटिफिकेशन का, IBPS PO के एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन होना, तो फाइनली ये इंतजार आपका खत्म हो गया है। IBPS PO का नोटिफिकेशन 2017 के लिए आ गया है। जैसा कि हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, IBPS PO के ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट कब से है, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट है, 16th of August, और क्लोजिंग डेट क्या है, और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी, IBPS PO के मेंस और प्री की एग्जाम डेट क्या होगी। साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हु कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू फिल IBPS PO एग्जाम, एलिजिबिलिटी क्या है IBPS PO के एग्जाम में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या चाहिए आपको, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सब आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम आपको पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के बारे में बताएंगे, कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं IBPS PO के एग्जाम में, और साथ ही में नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, कितनी है, कौन कौन से बैंक में, आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए बैंक एग्जाम गाइड चैनल को, और बेल आइकन पर जाके नोटिफाई भी कर लीजिए फॉर मोर डिटेल्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, IBPS PO का नोटिफिकेशन जो आया है, उसमें जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है, वो है, आप यहाँ देख सकते हैं, 16th of August, और ये जो इसकी एंडिंग डेट है वो है 5 September। तो फ्रेंड्स, ये डेट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपको कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, और हमारा एक वीडियो भी है जिसमें हाउ टू अप्लाई, हाउ टू फिल फॉर्म ऑनलाइन एंड हाउ टू पेमेंट ऑनलाइन, ये सारी क्यूरीज अगर आपकी है तो आप उस वीडियो पे जाके क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो यही है, 16 तारीख, 16th of August से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन IBPS PO का, और 5th September इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा 5th of September। जहाँ तक हो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आती है, वो लास्ट डेट पे फॉर्म भरने जाते हैं और तब वो लिंक ओपन नहीं होता है, या फिर बहुत सर्वर डाउन आता है तो वो भर नहीं पाते हैं। तो वेट मत कीजिएगा लास्ट डेट का, जितना जल्दी हो अपना फॉर्म कंप्लीट कीजिएगा। साथ ही में आप देख सकते हैं इसकी प्री एग्ज़ाम की जो डेट है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की, जो बच्चे कैंडिडेट्स लेना चाहते हैं, जो एलिजिबल होते हैं उनके लिए ये डेट भी आ गई है ऑफिशियली, 23rd September 2017 से लेके 29th September 2017 है। और हमारा जो IBPS PO का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स का, उसकी डेट्स आपको मैंने पहले भी बता दी है, वापस बता देता हूँ, 7th of October, 8th of October, 14th October एंड 15th October है। साथ ही में ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस की जो डेट है वो है 26th November, IBPS PO का एग्ज़ाम, जो कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, और इसकी जो इंटरव्यू होंगे, जो बच्चे प्री क्लियर, जो कैंडिडेट्स प्री क्लियर कर जाएंगे और जो फिर मेंस भी क्लियर कर जाएंगे, उसके बाद में जो इनका इंटरव्यू होगा, उसकी डेट अभी नहीं आई है, वो जनवरी में कंडक्ट होगा आपका इंटरव्यू, जनवरी 2018 में, और अप्रैल तक आपको ये अलॉटमेंट हो जाएगी वैकेंसी। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेंड्स, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं IBPS PO के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो सबसे पहला बैंक है, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड विजया बैंक। तो ये कुछ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जो IBPS PO के कंडक्ट कर रहे हैं। साथ ही में हम आपको बताते हैं अब एलिजिबिलिटी, हु विच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू फिल फॉर्म टू गिव एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, देखिए गौर से, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेट्स होती हैं, डेट्स का जो कन्फ्यूज़न होता है, पहले भी हमने वीडियो बता दिया है, हम आपको वापस क्लियर कर देते हैं। डेट जो होनी चाहिए वो एज ऑन 1 अगस्त 2017, इसमें आपकी जो मिनिमम एज एज होगी वो 20 इयर्स है और मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2nd of August 1987 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 1997। जो कैंडिडेट 2 अगस्त 1987 से लेकर 1 अगस्त
1997 के बीच जिसका बर्न है वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। साथ ही में हम बताते हैं कुछ एज रिलेक्शंस हैं। एससी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कि नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी वालों के लिए ओनली 3 ईयर्स का एज रिलेक्शन दिया गया है, और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 ईयर्स का, और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 5 ईयर्स का एज का रिलेक्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही मैम आपको बताते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी। तो फ्रेंड्स आप देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है एज ऑन 5 सितंबर 2017 तक की वगैरह इस तारीख के तक होनी चाहिए। ये मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री की रिक्वायरमेंट है विच इज डिसिप्लाइन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री की रिक्वायरमेंट है आईपीएसपी के फॉर्म फिल करने के लिए, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नो मिनिमम परसेंटेज। अगर आपकी आप ग्रेजुएशन आपकी क्लियर है, डिग्री आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे वो आपकी 40% हो, चाहे वो आपकी 50% हो, चाहे वो 60% हो, यू आर एलिजिबल। और साथ ही एक और क्वेश्चन होता है आप सबका कि हमारा हमने डिस्टेंस एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है तो वी कैन बी एलिजिबल। यस यू आर एलिजिबल, यू आर अप्लाई। अगर आपकी डिस्टेंस भी आपने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है वो अगर वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है तो आप एलिजिबल हैं। डिस्टेंस एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में बस इतना ध्यान रखना होगा कि आपकी ग्रेजुएशन में कोई बैक अगर थी या बैक है तो वो क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपकी बैक क्लियर हो गई है देन यू आर एलिजिबल, अगर आपकी बैक ड्यू है तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है कौन कौन से बैंक में। सो फ्रेंड्स देखते रहिए, 2018 और 2019 IUPSPO की 2018 और 19 में ये आपकी वैकेंसीज आपको अलॉटमेंट हो जाएंगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं IUPSPO की इस बार 3562 3562 वैकेंसीज, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसमें आप देख सकते हैं अलाहाबाद बैंक की 235, आंध्रा बैंक की 625, हर एक कैटेगरी की अलग अलग है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आप जो भी बैंक की वैकेंसी देखना चाहते हैं कौन से बैंक कितनी वैकेंसी है, ST, SC, OBC, UR और PWD कैंडिडेट्स के लिए भी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मैंने आपको बताई है 3562। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो है कैनरा बैंक में 1350। सो फ्रेंड्स आप अच्छे से इस वीडियो को देख सकते हैं, वैकेंसीज देख सकते हैं पॉज करके। और आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो 16th of August से फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो देखना है कैसे फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन या कैसे पेमेंट करना है, उसका भी वीडियो आप हमारे बैंक एग्जाम गाइड चैनल पर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और इंतज़ार मत कीजिए। और IUPSPO का सिलेबस और जितना भी आपको डिटेल्स देखनी है उनके रिलेटेड वीडियोज़ हमने बता दिए हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट जो कि है www.iupsrecruitment.in एंड यूज़ अवर कमेंट सेक्शन बिलो फॉर एनी क्यूरी। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए हमें, हम तो जुड़े रहिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन फेसबुक पेज जो कि है IUPS गाइड। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।